ने मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल को नाकाम करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि हर नाकामी के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ राहुल और सोनिया जिम्मेदार। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डिपार्टमेंट बनाया था, उसके सारे इनिशिएटिव खत्म हो गए हैं। हमने इसका जिक्र किया है मित्रों, और जो वहां पर विकास, तो चाहे वो रेलवे का हो, चाहे नेशनल हाईवे का हो, चाहे बाकी कनेक्टिविटी का हो, काफी कमजोर हुआ है। एक इंडस्ट्री नहीं लगी है, एक इंडस्ट्री वहां बहुत फल फूल रही है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की, इट इज अकीन टू एन अटैक ऑन इंडिया। और हमने एक बात कही है, 1985 असम एकॉर्ड राजीव गांधी ने किया था, और आपको मालूम है उसके कारण इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया था कि जितने 71 के बाद इलीगल्स आए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। एंड एकॉर्ड विच वॉज एग्जीक्यूटेड बाय लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैज बीन कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट इफेक्टिवली लेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी। इस बात को हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं कि जो एकॉर्ड राजीव गांधी ने किया, भारत के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव हुआ, उसको पूरा फ्रस्ट्रेट करने में श्रीमती सोनिया गांधी की अगुवाई में बनी सरकार ने पूरा काम किया। उसमें कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हो चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं। तो मित्रों, ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में है। आरती जी बता रही है प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट से हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से हैं नहीं, वहां से वो वोटर बने हैं और वहां से 24 साल से एमपी हैं और एक भी विकास का काम नहीं किया है, उन्होंने बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, एजुकेशन और हेल्थ केयर में हमने 2-3 गंभीर बातें कही हैं। आईआईटी में 40% आपके टीचिंग पोजीशन वेकेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 30% वेकेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 25% वेकेंट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 27 से 150 हो गई है, मोस्टली इन वायलेशन ऑफ रूल। यूजीसी में क्या होता है, टेक्निकल एजुकेशन को अप्रूव करने वाली संस्थाएं क्या करती हैं, इसके करप्शन को आप लोगों ने बार बार कहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वहां कितने लोग घूस लेते हुए पकड़े गए हैं रेगुलेटरी संस्थाओं में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हेल्थ केयर में हमारा आरोप है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के पूरे बजट को 20.6% काट दिया है। द हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर बजट इन द लास्ट बजट गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन स्लैश्ड डाउन बाय 20.6%। मित्रों, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने में, नेक्स्ट अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट प्लीज।